हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू आई होप आप सभी ठीक होंगे तो बेटा आज से हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेवन के लिए ठीक है वो बुक है आपकी आर एस अग्रवाल बहुत ही चर्चित बुक है सी बी एस ई बोर्ड के लिए ध्यान रखिएगा तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस नई जनरी में हमारा साथ देंगे जैसे आपने इससे पहले दिया है ठीक है नई पब्लिक होगी क्लास सेवन के बच्चे होंगे ठीक है तो सारी चीज़ें हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है उस बुक की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं चैप्टर का नाम है बेटा इंटीजर यहाँ मैंने लिखा नहीं है लिख लो इंटीजर ठीक है अच्छा इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, जो आपको इस एक्सरसाइज में हेल्प करेगा ठीक है चलिए बेसिक जान लेते हैं पहले जैसे चैप्टर का नाम ही है इंटीजर इंटीजर ठीक है तो इंटीजर होता क्या है पहले में इसे जानना होगा ठीक है कितने तरह के होते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं सब इसमें हम जानेंगे एक, एक करके तो बेटा इंटीजर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं होल नंबर ठीक है नंबर को शॉर्ट फॉर्म में एनो में लिख रहा हूँ होल नंबर नेचुरल नंबर ठीक है देखो होल नंबर आपका स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन और आगे ये चलता चला जाता है छः सात आठ नौ दस ऐसे इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी जानते हो ना मतलब जहाँ तक आप गिन नहीं सकते हो ठीक है नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये आपका स्टार्ट होते हैं वन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ऐसे ये चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक जहाँ तक आप गिन नहीं सकते हो ठीक है होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क समझ में आया होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर आपका वन से स्टार्ट होता है ठीक है अच्छा अब इंटीजर देख लो किसे कहते हैं इंटीजर इंटीजर में आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं होल नंबर भी आते हैं और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर भी आते हैं लेकिन वो होल नंबर होने चाहिए नेगेटिव में मैं क्या कह रहा हूं मैंने कहा इंटीजर में आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं होल नंबर भी आते हैं अच्छा नेचुरल नंबर और होल नंबर तकरीबन तकरीबन सेम ही तो है सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क है होल नंबर में आपका ज़ीरो आ रहा है नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है बस इतना ही सा फ़र्क है तो मैंने कहा इंटीजर में आपके नेचुरल नंबर भी होते हैं होल नंबर भी होते हैं यानी ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ऐसे ही चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक ठीक है इस साइड भी नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर ठीक है जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और ऐसे ही चलता चला जाएगा माइनस इंफिनिटी तक ठीक है इन्फिनी का मतलब जहां तक आप गिन नहीं सकते हो क्लियर है बेटा अच्छे से इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ये आपका जीरो है तो जानते हो और जो इतने जिधर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के नंबर होते हैं जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के इसको आप कहते हैं आगे तक पूरा नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ठीक है बेटा तो देखो इंटीजर के बेसिकली तीन पार्ट हैं एक पॉजिटिव इंटीजर है जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे चलता चला जाएगा एक आपका जीरो है और एक आपका है नेगेटिव इंटीजर समझ में आ रही बेटा मेरी बात ठीक है कुछ नंबर होते हैं फ्रैक्शन टाइप के फ्रैक्शन फ्रैक्शन में जैसे हो गया थ्री अपॉन फाइव ठीक है जिसमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट होता है न्यूमिरेटर ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं एन से न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं डी फॉर डिनोमिनेटर ठीक है लिखना चाहो लिख लो न्यूमरेटर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा ठीक है स्पेलिंग शायद गलत हो भी सकती है लेकिन जाहिर सी बात है मैथ सीख रहे तो इसमें स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा लेना कुछ नहीं है, है। ठीक है अच्छा फ्रैक्शन हो गया जैसे थ्री अपॉन्ट फाइव हो गया अगर उसी को रेसिप्रोकल करके लिख दें यानी फाइव अपॉइन्न थ्री रेसीप्रोकल का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमनेटर बन जाए जो न्यूमनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाए जैसे फाइव अपॉन्ट थ्री तो ये भी आपका फ्रैक्शन है बस फर्क इतना है कि थ्री अपॉइंट फाइव आपका क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं ठीक है ताकि आपको चीजें पता रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें आपका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है कंडीशन लिख लो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से ये आपका इम प्रॉपर फ्रैक्शन है फाइव ऑफ थ्री इम प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या होता है इसमें आपका न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से जैसे देख भी रहे हो आप फाइव आपका न्यूमिनेटर है थ्री आपका डिनोमिनेटर है फाइव थ्री से बड़ा है यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है क्लियर है बेटा अच्छे से अच्छा कोई भी चीज़ अगर इम प्रॉपर वे में होगी तो उसको हम सही करके लिखते हैं ठीक है ना बेटा जैसे आपके मान लो आपने चप्पल उतारी अपनी और चप्पल उल्टी हो गई तो आपकी मम्मी आके कहेंगी नहीं कि बेटा ये इम्प्रॉपर वे है चप्पल को सीधा करो तो यानी अगर कोई भी चीज़ कहीं पे अगर इम्प्रॉपर होती है तो उसको हम प्रॉपर वे में करते हैं तो ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको जाहिर सी बात है हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको हम एक अलग तरीके से लिखते हैं और उसको कहते हैं, हैं जाहिन। 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 जाहिन मिक्स फ्रैक्शन यानी इम प्रॉपर फ्रैक्शन को शो करने का एक अलग तरीका होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन क्लियर है ना बेटा करते कहते हैं ज़रा देख लो फाइव को हम क्या करेंगे थ्री से डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर को सॉरी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे कर दीजिए फाइव को आपने डिवाइड कर दिया थ्री से तो थ्री वन जी हो जाएगा रिमाइंडर कितना बचेगा फाइव में से थ्री तो गया बचा टू डिवीजन तो सबको आता होगा ये मैं मान के चल रहा हूँ ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो वन होल टू बाई थ्री सर आपने ये क्या लिख दिया हाँ इसी को कहते हैं फ्रैक्शन कैसे लिखा है जो आपका क्वेश्चन था ये वन आपका क्वेश्चन है ना इसको बीच में लिखेंगे जो आपका रिमाइंडर बचा था यानी टू यहाँ पे उसको ऊपर लिखेंगे और जो आपका थ्री है डिवाइजर इसको क्या लिखेंगे ये आपका डिवाइजर है इसको आप क्या लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाने का सही तरीका क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन और इसको लिखते इस तरीके से हैं बीच में क्वेश्चन ऊपर रिमाइंडर नीचे डिवाइजर ठीक है तो में आया एक होता है डेसीमल आपका ये भी देख लो डेसीमल डेसिमल भी जानते हो पॉइंट वाली गिनती है जैसे वन पॉइंट सेवन हो गया ठीक है जीरो पॉइंट फाइव हो गया जीरो पॉइंट फाइव थ्री थ्री हो गया इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं डेसिमल कहते हैं ठीक है अच्छा स्टूडेंट इतनी सी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बताता चलूंगा ठीक है चलिए जैसे इसमें देखिए क्या दिया है इवेलुएट चलिए पहले पे थोड़ा रू, रूल बता देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना रहें रूल देख लीजिए क्या है रूल बहुत आसान है अगर कहीं पे आपको माइनस और माइनस मिल जाए तो ये मिलकर क्या होता है प्लस होता है कहीं पे अगर आपको माइनस और माइनस लिखा हुआ मिल जाए तो दोनों आपस में मिलकर क्या होते हैं प्लस होते हैं माइनस और प्लस मिल जाए तो ये माइनस हो जाते हैं प्लस और माइनस मिले तो भी माइनस होते हैं ठीक है समझ में आया माइनस माइनस मिले तो प्लस होते हैं माइनस प्लस मिले तो माइनस होते हैं प्लस माइनस मिले तो भी माइनस होते हैं ठीक है और लास्ट कंडीशन लिख लो प्लस और प्लस मिल जाए तो ये प्लस ही रहते हैं ठीक है ना देखो चार रूल हैं माइनस माइनस मिलेंगे तो प्लस हो जाएंगे माइनस प्लस मिलेंगे तो माइनस रहेंगे प्लस माइनस मिलेंगे तो माइनस रहेंगे प्लस प्लस मिलेंगे तो प्लस ही रहेंगे ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं आपका आंसर आ जाएगा देखो यहाँ लिखा है फिफ्टीन प्लस ब्रैकेट में माइनस एट प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है अभी मैंने बताया था ठीक है तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया और एट फिफ्टीन में से एट को माइनस कर लीजिए माइनस तो कर सकते हो वो आप ठीक है आंसर कितना आएगा सेवन आएगा क्लियर है ना बेटा अच्छे से ओके ये चीज़ देखो माइनस सिक्सटीन प्लस नाइन पहले उसको आप ब्रैकेट ओपन करके लिख दो माइनस सिक्सटीन प्लस नाइन अब देखो ये है माइनस और ये है आपका प्लस माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस होता है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा माइनस प्लस माइनस तो होता है लेकिन यहाँ बीच में आपको माइनस लिखना नहीं है माइनस करना है सर आपने ये क्या कहा चलो समझ में नहीं आया बता देता हूँ देखो जहाँ पे भी साइन लगातार होगा जैसे प्लस और माइनस लगातार थे ना तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है तो माइनस लगा दिया क्यों लगा दिया क्योंकि साइन यहाँ पे लगातार है लेकिन यहाँ देखो साइन लगातार नहीं है पहले आपका साइन लिखा है यानी माइनस लिखा है फिर एक गिनती लिखी है सिक्सटीन फिर प्लस लिखा है यानी साइन के दो साइन के बीच में माइनस और प्लस के बीच में सिक्सटीन आ गया तो साइन आपका लगातार नहीं है जब साइन लगातार ना हो तो हम ऑपरेशन करते हैं लिखते नहीं हैं जैसे माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे नहीं माइनस करेंगे क्या करेंगे माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे सिक्सटीन में से नाइन को माइनस कर देंगे कितना आएगा बेटा सेवन आएगा 16, सोलह में से नौ को माइनस करेंगे सेवन आएगा ठीक है अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जब भी साइन लगातार ना लिखा रहे और हम ऑपरेशन करें तो हम साइन उस गिनती का लगाते हैं आंसर में जो बड़ी हो मैंने क्या कहा जब भी साइन लगातार ना लिखा हो जैसे यहां पे लगातार लिखा था साइन यहां पे देखिए साइन लगातार नहीं लिखा था बीच में गिनती थी तो हमने ऑपरेशन किया है माइनस किया है सोलह में से नाइन को माइनस किया है आंसर सेवन आया हम साइन किसका लगाएंगे आंसर में बड़ी वाली गिनती का जैसे सिक्सटीन और नाइन में बड़ी गिनती कौन सी है सिक्सटीन और नाइन में बड़ी गिनती कौन सी है बताइए सिक्सटीन है ना उसके आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस रहेगा समझ में आया यानी जो गिनती बड़ी होगी उसी का बोलबाला रहेगा जो जितना पावरफुल होगा उसी का बोलबाला रहेगा ये तो जानते हो आप दुनिया का वसूल है सोलह और नौ में से पावरफुल कौन था सोलह था ऑपरेशन तो रूल के हिसाब से हुआ लेकिन बोल वाला किसका था बड़ी वाली गिनती का तो माइनस लग गया माइनस प्लस माइनस होता है सोलह में से नौ गया बचा सात लेकिन बोल वाला किसका है पावर किसकी है बड़ी वाली गिनती की तो माइनस लग गया क्योंकि बड़ी वाली गिनती माइनस में थी समझ में आया अब देखो माइनस थे मैं लिखा देखिए यहां पे साइन लगातार है प्लस और माइनस प्लस और माइनस मिलके क्या होता है प्लस और माइनस मिलके होता है माइनस तो हमने माइनस लगा दिया 23 माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस होता है लेकिन यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे नहीं प्लस करेंगे क्यों लिखेंगे नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है आपका साइन लगातार नहीं है माइनस और ये वाले माइनस के बीच में सेवन आ रहा है तो साइन लगातार नहीं है तो हम ऑपरेशन करेंगे जो भी रूल के हिसाब से बनेगा माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो सेवन तो और ट्वेंटी थ्री को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा थर्टी फिर वही चीज़ वाला किसका रहेगा जो ज़्यादा पावरफुल है ट्वेंटी थ्री ज़्यादा पावरफुल है सेवन से क्योंकि बड़ा है उसके आगे माइनस लगा है तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा समझ तो में आया थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा पकड़ लो ना चलो इसको पहले ओपन करके लिख लो माइनस थर्टी टू प्लस फोर्टी सेवन माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है देखो यहाँ पे लिखा है माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है लेकिन क्योंकि साइन लगातार नहीं है तो हम माइनस करेंगे लिखेंगे नहीं 47 में से 32 माइनस करेंगे 32 में से 47 तो माइनस नहीं करेंगे ना बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे छोटे में से बड़ा माइनस नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा 47 में से 32 माइनस करेंगे आंसर आएगा 15। साइन किसका लगेगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा 32 और 47 में से ज़्यादा पावरफुल कौन है यानी ज़्यादा बड़ा कौन है फोर्टी उसके आगे प्लस है तो इसके आगे भी प्लस लग जाएगा प्लस हम आमतौर पर लिखते नहीं इस वजह से हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं चाहो तो आप प्लस फिफ्टीन लिख भी सकते हो या सिर्फ फिफ्टीन भी लिख सकते हो ये आपकी मर्जी है क्लियर है बेटा अच्छे से ये वाला देखो प्लस और माइनस मिल क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन लगातार है तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस ट्वेंटी सिक्स ठीक है प्लस माइनस मिल माइनस हो गया साथ में ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी थ्री में से ट्वेंटी सिक्स माइनस कर लो माइनस तो कर लेते हो ना देख लो नहीं आता तो ऐसे आता ही होगा क्लास सेवन में पहुँच गए हो अब देखो थ्री सिक्स से छोटा है तो हम फाइव से क्या करेंगे भैया इसको एक कैरी दो इसको कैरी देंगे तो ये थर्टीन बन जाएगा और जब फाइव ने इसको कैरी दिया तो ये फोर बन गया थर्टीन में से सिक्स माइनस करेंगे तो आएगा सेवन फोर में से टू करेंगे माइनस तो आएगा टू आंसर कितना आएगा ट्वेंटी सेवन क्लियर है, है ना यहाँ पे देख लो यहाँ पे भी भाई चीज़ माइनस फोर्टी एट लिखा प्लस माइनस मिलके क्या होगा माइनस होगा ठीक है थर्टी सिक्स अब देखिए साइन लगातार नहीं है तो जो भी रूल के हिसाब से बनेगा वो हम ऑपरेशन करेंगे लिखेंगे नहीं जैसे माइनस और माइनस क्या होता है ऊपर देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है तो 48 एट और थर्टी को प्लस कर दोगे ठीक है कर लो यहाँ पे 48 एट और थर्टी सिक्स को आप क्या करोगे प्लस कर लोगे आठ और छः चौदह चौदह के चार कैरी लगा एक फोर वन फाइव फाइव और थ्री एट आंसर कितना आएगा एट्टी फोर साइन किसका लगेगा जो ज़्यादा पावरफुल है 48 और 36 में ज़्यादा पावरफुल कौन है यानी ज़्यादा बड़ा कौन है 48 है उसके आगे माइनस है तो आंसर में भी क्या होगा माइनस लग जाएगा क्लियर है बेटा अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं समझिएगा थोड़ा सा क्या लिखा है ज़रा देखो कह रहा फाइंड द सम ऑफ हमको सम निकालना है तो निकाल लेंगे बहुत आसान है देखो वन एंड माइनस थ्री हंड्रेड टू का निकालना है तो एंड की जगह पे हम प्लस का साइन लगाएंगे फिर माइनस थ्री हंड्रेड टू क्लियर है प्लस माइनस लगातार लिखे हैं ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस ठीक है माइनस और प्लस मिल के होता है माइनस प्लस और माइनस मिल के होता है माइनस चौथा वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन चाहो तो लिख सकते हो प्लस और प्लस मिलके प्लस ही रहता है ठीक है ना देखिए यहाँ पे देखो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस साइन लगातार है तो हम लिखेंगे 153 फिफ्टी थ्री माइनस थ्री ठीक है अब 153 फिफ्टी थ्री माइनस थ्री हंड्रेड टू में से 302 माइनस करना है तो भैया ये तो पॉसिबल नहीं है छोटे में से बड़ा हम माइनस नहीं कर सकते बशर्ते लेकिन बड़े में से छोटा हम माइनस कर सकते हैं 302 में से 153 को माइनस किया जा सकता है वन फिफ्टी थ्री में से तीन सौ दो को माइनस नहीं किया जा सकता तो हम करेंगे वही जो मैथ का रूल है बेसिक रूल है कि बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे चलिए कर देते हैं ठीक है कैरी देते जाएंगे ये आपका ट्वेल्व बन जाएगा क्लियर है ये ये नाइन बन जाएगा और ये आपका टू बन जाएगा ये सब तो आता होगा ना ट्वेल्व में से थ्री गया बचा नाइन नाइन में से फाइव गया बचा फोर टू में से वन गया तो बचा वन आंसर कितना आया बेटा 149 फी साइन किसका लगेगा जिसका बोल बोलबाला होगा 153 फिफ्टी थ्री के आगे कोई से साइन नहीं तो जाहिर सी बात है वो प्लस है लेकिन बोलबाला वन फिफ्टी का तो होगा नहीं बोल बोलबाला तो बड़ी गिनती का होता है ना तीन तो ज़्यादा बड़ा है तो उस वो माइनस में है उसके आगे माइनस लगा है तो 149 के आगे भी माइनस लगेगा क्लियर है बेटा कि नहीं ओके चलो ये वाला करो 1005 एंड की जगह पर प्लस फिर माइनस टू सेवन सेवन ठीक है प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस होता है तो वन डबल ज़ीरो फाइव माइनस टू डबल सेवन फिर एक हज़ार पाँच में से टू सेवेंटी सेवन ये तो सीधा सीधा लिखा है तो माइनस कर लेंगे ठीक है यहाँ पे साइन वाला झंझट ही नहीं होगा अगर टू सेवेंटी सेवन माइनस वन डबल जीरो फाइव लिखा होता है तब साइन वाला झंझट होता है क्योंकि छोटी गिनती में से बड़ी वाली गिनती माइनस करते तो जो भी आंसर आता है उस वक्त नेगेटिव आता है अभी तो जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा ठीक है कर लो ये आपका फिफ्टीन हो जाएगा ये नाइन हो जाएगा और ये भी कट के नाइन हो जाएगा फिफ्टीन में से सेवन बचेगा एट नाइन में से सेवन जाएगा बचेगा टू नाइन में से टू जाएगा बचेगा सेवन क्लियर है बेटा अच्छे से आंसर कितना आएगा सेवन ट्वेंटी एट ठीक है बेटा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आप छोटे बच्चे हो ताकि आपको समझ में आए आपका बेसिक बने है, ठीक है ये वाला कर लो माइनस टू ज़ीरो थ्री फाइव एंड की जगह पर प्लस लिखेंगे टू नाइन्टी सेवन यहाँ पर भी वही चीज़ माइनस है प्लस है लेकिन लगातार नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं ऑपरेशन करेंगे माइनस प्लस क्या होता है देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है यानी टू जीरो थ्री फाइव में से टू नाइन्टी सेवन को आपको माइनस करना है कर लो यहाँ पे टू जीरो थ्री फाइव में से टू नाइन्टी सेवन को आप क्या करोगे बेटा माइनस करोगे कर लो ये फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है ये आपका ट्वेल्व हो जाएगा क्लियर है ना ये आपका हो जाएगा नाइन और ये आपका हो जाएगा वन ये सब तो आता होगा ना ये सारी सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में जा नहीं बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि जाहिर सी बात ये तो फर्स्ट सेकेंड का है थर्ड का है आप क्लास सेवेंथ में हो फिफ्टीन में से सेवन को माइनस करेंगे आएगा एट ट्वेल्व में से नाइन को माइनस करेंगे तो आएगा थ्री नाइन में से टू को माइनस करेंगे तो आएगा सेवन और वन में से वन के आगे नीचे कुछ है ही नहीं तो वन का वन ही रहेगा ठीक है ना आंसर कितना आया वन सेवन थ्री एट साइन किसका लगेगा भैया जिसका बोल बाला होगा टू जीरो थ्री फाइव और टू नाइन्टी सेवन में से कौन बड़ा है टू जीरो थ्री फाइव बड़ा है ना वो निगेटिव है तो आंसर भी आपका निगेटिव आएगा क्लियर है ये वाला भी कर लो ऐसे ही माइनस फोर एट नाइन प्लस माइनस थ्री ट्वेंटी फोर क्लियर है बेटा अच्छे से प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस होगा तो माइनस फोर एट नाइन माइनस थ्री ट्वेंटी फोर यहाँ माइनस लिखा क्यों क्योंकि भैया साइन लगातार है साइन लगातार होता तो हम लिख देते हैं ये आपको पता होना चाहिए बताया भी है अब देखिए साइन लगातार नहीं है तो जो भी रूल के हिसाब से होगा वो हम करेंगे लिखेंगे नहीं जैसे माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन लगातार नहीं है दो नेगेटिव साइन के बीच में 489 आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे लिखेंगे नहीं माइनस माइनस मिलकर क्या होता है प्लस होता है तो फोर एट्टी नाइन और थ्री ट्वेंटी फोर को प्लस किया जाएगा नाइन और फोर मिलकर थर्टीन हो जाएगा थर्टीन के थ्री कैरी लगावन टू और एट टेन टेन और 1, 11. 11 के 1 कैरी लगा वन एलेवन एलेवन के वन कैरी लगावन फोर वन फाइव फाइव और थ्री एट आंतर कितना आया एट हंड्रेड थर्टीन साइन किसका लगेगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा फोर एट्टी नाइन थ्री ट्वेंटी फोर में से ज़्यादा बड़ा कौन है फोर एट्टी नाइन है ना वो नेगेटिव में है तो ये भी नेगेटिव में होगा ठीक है सही वाला भी कर लो माइनस वन थाउजेंड एंड की जगह पर प्लस फोर थर्टी एट अच्छा एंड की जगह पर मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ ये तो समझ रहे हो ना क्योंकि यहाँ पर सम लिखा है सम का मतलब ही होता है जोड़ना ठीक है इसमें कन्फ्यूज मत होना अब देखो माइनस और प्लस फिर वही चीज़ साइन लगातार नहीं है तो जो भी रूल के हिसाब से होगा वो हम ऑपरेशन करेंगे साइन लिखेंगे नहीं माइनस एक हज़ार प्लस फोर थर्टी एट माइनस और प्लस माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है तो एक हज़ार में से हम फोर थर्टी एट को क्या करेंगे बेटा माइनस कर देंगे ठीक है चलिए कर लेते हैं ये आपका टेन हो जाएगा ये आपका नाइन हो जाएगा और ये भी आपका नाइन हो जाएगा टेन में से एट जाएगा बचेगा टू नाइन में से थ्री जाएगा बचेगा सिक्स नाइन में से फोर जाएगा बचेगा फाइव आंसर कितना आया फाइव सिक्सटी टू 1438 में से ज़्यादा पावरफुल कौन है यानी ज़्यादा बड़ा कौन है 1000 है इसके आगे माइनस लगा देंगे क्लियर है सिया भी कर लो माइनस टू थर्टी एट एंड की जगह पर प्लस फिर 500 माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस होता है यहाँ पे देखो लिखा है माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है तो फाइव में से टू को माइनस कर देंगे फाइव में से टू को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे कर लीजिए उधार ले लीजिए जो आपका पूरा प्रोसेस होता है या आपका टेन हो जाएगा या आपका नाइन हो जाएगा या आपका फोर हो जाएगा टेन में से एट गया बचेगा टू नाइन में से थ्री गया बचेगा सिक्स गया मतलब सब किया माइनस किया फोर में से टू गया बचेगा टू आंसर कितना आया टू सिक्सटी टू टू थर्टी एट और फाइव हंड्रेड में से पावरफुल कौन है यानी बड़ा कौन है फाइव हंड्रेड है उसके आगे प्लस का साइन लगाया तो ये भी प्लस में आएगा अच्छा प्लस का साइन हम आमतौर पर लिखते नहीं हैं तो चाहे आपकी मर्जी है आगे प्लस लिख दो चाहे ना लिखो दोनों सही है लेकिन माइनस का अगर साइन है तो माइनस लिखना पड़ेगा ठीक है ना बेटा क्लियर है अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं देखिए क्या कह रहा, रहा है आपसे देखिए क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स निकालना है एडिटिव इनवर्स तो बहुत आसान है बेटा आपको कुछ नहीं करना होता जो भी नंबर दिया है उसका बस साइन चेंज कर दो अच्छा एडिटिव इन्वर्स का पहले मतलब समझो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई नंबर दिया है फ़ाइव क्या दिया है जैसे मान लो कोई नंबर दिया है फाइव तो उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि दोनों का सम होकर ज़ीरो आ जाए मैंने क्या कहा जैसे कोई नंबर दिया है फ़ाइव तो इस पर हम ऐसा क्या प्लस करें कि ये दोनों प्लस होकर कितना आ जाए ज़ीरो आ जाए ठीक है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसी को हम क्या कहेंगे कि वो नंबर फाइव का एरेटिव इन्वर्स है मेरी बत, मतलब समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात का ये चीज़ होता है जैसे अगर कोई नंबर फ़ाइव है तो उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि फाइव और उसका एरेटिव इन्वर्स प्लस होकर जीरो आ जाए तो यहाँ पर जो नंबर आएगा अभी मैं बता रहा हूँ क्या आएगा यहाँ पर जो नंबर आएगा वो फाइव का क्या कहलाएगा एरेटिव इन्वर्स कहलाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पर जो नंबर होगा बेटा वो फाइव ही होगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ जैसे फाइव है तो इसका अपोजिट साइन के साथ क्या हो जाएगा माइनस फाइव तो अगर फाइव और माइनस फाइव को आप प्लस कर दें तो इसका आंसर कितना आएगा ज़ीरो आएगा क्लियर है ना ये यह मैं यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पे देखिए जगह है मैंने कहा अगर फाइव में मैं माइनस फाइव को जोड़ दूँ तो आंसर जीरो आएगा आपने कहा ठीक है सर यहाँ पे हमने माइनस फाइव रख दिया अब आप इसका आंसर जीरो प्रूफ करके कर बताइए तो हमने कहा ठीक है हम प्रूफ कर देंगे प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं फाइव माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव क्या होता है जीरो होता है भैया फाइव में से फाइव माइनस करोगे तो जीरो ही आएगा समझ गए ना तो अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है आपके पास और आपसे उसका एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है नंबर का जो भी साइन है उसको बस अपोजिट कर दीजिए जैसे माइनस एट्टी थ्री का एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है तो माइनस एट्टी थ्री का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा प्लस एट्टी थ्री डेट सीट आंसर आ गया क्लियर है जैसे टू फिफ्टी सिक्स का यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो जाहिर सी बात है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा यानी अपने आप क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अगर सिर्फ नंबर लिखा है तो आप समझ लो कि वो प्लस में दिया है ठीक है ये आपका रूल होता है यानी प्लस टू फिफ्टी सिक्स प्लस टू फिफ्टी सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा साइन बदल देंगे बस माइनस टू फिफ्टी सिक्स हो जाएगा क्लियर है ना अच्छा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जीरो है और जीरो का आगे कोई साइन नहीं दिया है यानी प्लस जीरो दिया है तो बेटा ज़ीरो में कुछ होता ही नहीं है ज़ीरो ना प्लस है ना माइनस है मैंने आपको इंटीजर में बताया था कि जीरो की अलग ही कैटेगरी है ठीक है तो जीरो का एडिटिव इन्वर्स भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है ना ज़ीरो प्लस या माइनस नहीं होता है बेटा ठीक है ना बन गया ना जीरो की अपनी अलग ही कैटेगरी इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर अलग होते हैं नेगेटिव इंटीजर अलग होते हैं बीच में जीरो रहता है बताया था आपको इंटरव में इसी वीडियो में ठीक है यहाँ पर दिखा है माइनस टू थाउजेंड वन तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा प्लस टू थाउजेंड वन क्लियर है बेटा अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बात है तो बताओ चलिए फोर्थ वाला करते हैं देखिए क्या दिया है सब ट्रैक करना है ट्वेंटी एट फ्रॉम माइनस फोर्टी टू यानी माइनस फोर्टी टू में से ट्वेंटी एट को सब ट्रैक करना है तो जिससे सब ट्रैक करना है उसको हम पहले लिखते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा यानी जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है सब में क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सारे पार्ट में जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा तो माइनस फोर्टी टू को पहले लिखा फिर इस फ्राम का मतलब होता है माइनस फिर ट्वेंटी एट लिखा क्लियर है ना बेटा नहीं समझे मेरी बात पीछे समझ लो सब ट्रैक करा यानी माइनस करना है ट्वेंटी एट फ्रॉम माइनस फोर्टी टू ट्वेंटी एट को सब ट्रैक करो माइनस फोर्टी टू में से तो जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सब पार्ट में उसको हम पहले लिखेंगे बीच में एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे अपनी तरफ से क्यों लगा रहे सर आपको पैसा मिला है बिल्कुल पैसा नहीं मिला है यहाँ सब लिखा है इस वजह से लगा रहा हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड में सम लिखा था तो बीच में हम एंड की जगह पर प्लस लगा रहे थे यहाँ पे सब लिखा है तो हमने फ्रॉम की जगह पर क्या लगाया है माइनस लगाया बस इतना सा फर्क है ठीक है ना अब वही जो आपका रूल कहता है उसी के हिसाब से कर लो माइनस माइनस मिल क्या हो जाता है प्लस हो जाता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन लगातार नहीं है तो हम ऑपरेशन करेंगे लिखेंगे नहीं 42 और 28, 42 और 28 को प्लस कर लो कितना आएगा टू और एट टेन के जीरो कैरी लगा वन फोर टू सिक्स और वन सेवन आंसर कितना आया सेवेंटी साइन किसका लगेगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा फोर्टी एट और ट्वेंटी एट में से कौन ज़्यादा पावरफुल है फोर्टी एट जो कि माइनस में है तो माइनस लग गया क्लियर है अच्छे से चलिए फॉर्म के बाद वाला पहले लिखेंगे अभी बताया था फिर एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे फिर ये वाला नंबर लिखेंगे माइनस थर्टी सिक्स सर आपने इसमें ब्रैकेट क्यों लगाया ब्रैकेट ही तो जैसे लगाया बेटा ताकि दोनों माइनस मिल ना जाए ठीक है ना फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा एक माइनस अपनी तरफ से लगाया फिर ये वाला नंबर लिख दिया अब देखो माइनस माइनस मिल क्या होता है रूल के हिसाब से प्लस होता है फोर्टी टू प्लस थर्टी सिक्स अब देखो यहाँ पर तो झमेला ही नहीं है साइन वाला चुपचाप दोनों को प्लस करो और आंसर निकाल लो प्लस कर लो बेटा थर्टी सिक्स और फोर्टी टू को कितना आएगा सिक्स और टू मिलके के एट हो जाएगा थ्री और फोर मिलके के सेवन हो जाएगा आंसर कितना आएगा सेवेंटी एट क्लियर है बेटा अच्छे से ये वाला भी कर लो फ्रॉम के बाद वाली गिनती को पहले लिखेंगे फिर एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है फिर ये वाली गिनती लिखेंगे माइनस थर्टी सेवन फिर वही चीज़ सर आपने यहाँ आप ब्रैकेट क्यों लगाया क्योंकि दोनों साइन मिल ना जाए ठीक है माइनस फिफ्टी थ्री लिखा ये माइनस माइनस साइन लगातार लिखा है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस हम लिखेंगे करेंगे तो बाद में पहले लिखेंगे यानी ऑपरेशन बाद में करेंगे ऑपरेशन अब करेंगे क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे लगातार नहीं लिखा है माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है 53 में से 37 को माइनस कर दीजिए 53 में से 37 को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे उधार दीजिए ज़रा उधार देने का मतलब है बोरो करिए तो ये थर्टीन हो जाएगा आपका और ये फोर हो जाएगा थर्टिन थर्टीन में से सेवन माइनस करेंगे बचेगा सिक्स फोर में से थ्री माइनस करेंगे बचेगा वन आंसर कितना आएगा सिक्सटीन साइन किसका लगेगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा यानी जो ज़्यादा बड़ा होगा फिफ्टी थ्री और थर्टी सेवन में से ज़्यादा बड़ा कौन है फिफ्टी थ्री है माइनस में है तो माइनस साइन लगा देंगे क्लियर है बेटा वैसे ये वाला भी कर लीजिए फॉर्म तो के बाद वाली गिनती को पहले लिखेंगे एक माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे फिर ये वाला नंबर लिख देंगे ब्रैकेट इस वजह से लगाए ताकि ये दोनों साइन मिल ना जाए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस सिक्सटी सिक्स फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन लगाता है, नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे नहीं ऑपरेशन करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है ना तो सिक्सटी सिक्स में से थर्टी फोर को माइनस कर देंगे सिक्स में से टू जाएगा बचेगा टू सॉरी सिक्स में से फोर माइनस करेंगे बचेगा टू सिक्स में से थ्री करेंगे तो बचेगा थ्री आंसर आया थर्टी टू साइन किसका लगेगा जो ज़्यादा पावरफुल है यानी जो ज़्यादा बड़ा है थर्टी फोर और सिक्सटी सिक्स में से ज़्यादा बड़ा कौन है सिक्सटी सिक्स है उसके आगे प्लस है तो उसके आगे भी हम प्लस लगा देंगे चाहे प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं आपके ऊपर है लेकिन आमतौर पे हम लगा दे रहे हैं क्लियर है ना अब देखो यहाँ पे के देख लो फ्रॉम की बाद वाली गिनती को पहले लिखेंगे एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे फिर ये थ्री हंड्रेड एट्टीन लिख देंगे जीरो माइनस थ्री हंड्रेड एट्टीन जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं तो आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट माइनस थ्री हंड्रेड एट्टीन ठीक है ना जीरो चाहे लिखो अरे भैया जीरो में से थ्री हंड्रेड एट्टीन को माइनस करो क्या आंसर मिलेगा माइनस एटीन ही मिलेगा ठीक है ना या तो जीरो को आप यहाँ पे इससे काट भी सकते हो कोई मतलब नहीं ज़ीरो का चाहे प्लस में लिखा रहे चाहे माइनस में लिखा रहे कोई मतलब नहीं जीरो का ठीक है देखो फ्रॉम के बाद वाली गिनती को पहले लिखेंगे तो माइनस टू फोर्टी एक माइनस है अपनी तरफ से क्योंकि यहाँ पे हम सब ट्रैक्ट ही कर रहे हैं फिर ये वाली गिनती माइनस वन फिफ्टी थ्री ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो माइनस टू फोर्टी प्लस वन फिफ्टी थ्री माइनस और प्लस मिलके क्या होता है माइनस होता है लेकिन चूंकि क्योंकि यहाँ पे साइन लगातार नहीं लिखा है तो हम ऑपरेशन करेंगे साइन लिखेंगे नहीं माइनस प्लस माइनस होता है तो 240 में से हम 153 को क्या करेंगे माइनस करेंगे कर लीजिए बॉर्डर ले लीजिए ये टेन हो जाएगा ठीक है ये आपका हो जाएगा थर्टीन ये आपका वन हो जाएगा टेन में से थ्री जाएगा बचेगा सेवन थर्टीन में से एट गया बचेगा फाइव वन में से वन गया कुछ नहीं बचेगा आंसर कितना आएगा एट्टी सेवन साइंस का लगेगा जो ज्यादा पावरफुल होगा टू फोर्टी और वन फिफ्टी थ्री में ज्यादा बड़ा कौन है ज्यादा पावरफुल कौन है टू फोर्टी है ना इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा क्लियर है बेटा अच्छे से चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके बाद देखिए क्या कह रहा है माइनस सिक्सटी फोर फ्रॉम जीरो ही तो और आसान है फ्रॉम के बाद वाली गिनती को पहले लिखेंगे फिर एक माइनस एन अपनी तरफ से लगाएंगे फिर हम सब ट्रैक कर रहे हैं फिर ये वाली गिनती लिखेंगे माइनस सिक्सटी फोर सर आपने माइनस सिक्सटी फोर पर ब्रैकेट क्यों लगाया है क्योंकि ये सर दोनों साइन मिल ना जाए ठीक है माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है तो ज़ीरो प्लस सिक्सटी फोर जीरो में सिक्सटी फोर को प्लस करेंगे तो सिक्सटी फोर ही रहेगा या तो जीरो को आपसे आप, आप सिंपली हटा भी सकते हो जीरो चाहे प्लस के साथ लिखा हो चाहे माइनस के साथ लिखा हो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है ठीक है सिक्सटी फोर प्लस में आएगा चाहो तो प्लस लिख भी दो आप या ना भी लिखो तो चलेगा अगर लिखा है तो भी ठीक है नहीं लिखा है तो आप समझ जाओगे कि प्लस में ही होगा ठीक है ला भी कर लो 144 फ्रॉम के बाद वाली गिनती पहले लिखेंगे फिर एक माइनस साइन अपनी तरफ से क्योंकि सब ट्रैक कर रहे हैं फिर ये वाली गिनती माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 144 फोर्टी फोर प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस कर दो ये तो सीधा सीधा है सिक्स और फोर टेन के ज़ीरो कैरी लगा वन फोर वन फाइव फाइव और फाइव टेन के जीरो कैरी लगा वन वन और वन टू आंसर कितना आएगा टू हंड्रेड आएगा इसमें कोई साइन का झंझट ही नहीं है जो भी आंसर होगा वो प्लस में ही होगा क्लियर है बेटा अच्छे से क्वेश्चन फिफ्ट देखो क्या कह रहा है आपसे ठीक है थर्टी फोर तो बहुत आसान क्वेश्चन है देख लो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ठीक है समझना अच्छे से कह रहा है माइनस कह रहा है सब करिए इन दोनों के सम को इससे माइनस थर्टी फोर से, से. यानी पहले कह रहा है स्टेप वन में कि इन दोनों को प्लस करिए स्टेप वन देखो स्टेप वन क्या करना है इन दोनों को प्लस करना तो चलिए प्लस कर लेते हैं माइनस वन ज़ीरो थ्री टू एंड एट सेवेंटी एट को प्लस करना है तो प्लस कर लेते हैं माइनस वन जीरो थ्री टू एंड का मतलब प्लस ही होगा क्योंकि सम कह रहा है फिर एट सेवन एट फिर वही चीज़ माइनस प्लस माइनस क्योंकि यहाँ पे साइन लगातार नहीं लिखा है तो हम अपना ऑपरेशन करेंगे साइन लिखेंगे नहीं माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है वन ज़ीरो थ्री टू में एट सेवन एट को प्लस कर देंगे सॉरी माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है माइनस कर लें चलिए यहाँ पे कर लेते हैं वन जीरो थ्री टू में से आप एट सेवेंटी एट को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे चलिए बॉर्डर लेते हैं ये ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है ना ये आपका कितना हो जाएगा यह आपका पहले तो थर्टीन होगा जब इसको एक दे देगा तो ये भी ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है और ये आपका कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा ट्वेल्व में से एट गया बचेगा फोर ट्वेल्व में से सेवन गया बचेगा फाइव नाइन में से एट गया बचेगा वन आंसर कितना आया वन फिफ्टी फोर ठीक है वन फिफ्टी फोर आया ठीक है ध्यान रखिएगा साइन किसका लगेगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा वन जीरो थ्री टू और एट सेवन एट में से ज़्यादा पावरफुल कौन है सर वन जीरो थ्री टू है इसके आगे माइनस है तो आंसर भी आपका किस में आएगा माइनस में आएगा क्लियर है बेटा अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बात है तो बताओ ओके यानी समझना इन दोनों का जो सम है वो आ गया माइनस वन फिफ्टी फोर अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस थर्टी फोर से तो अगर अब इन दोनों को मैं हटा के लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ माइनस वन फिफ्टी फोर अगर इन दोनों को प्लस में डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो तो स्टेप टू क्या हो जाएगा बेटा स्टेप टू स्टेप टू क्या हो जाएगा समझना स्टेप टू क्या हो जाएगा आपका माइनस वन फिफ्टी फोर को आपको सब करना है फ्रॉम माइनस थर्टी फोर तो फ्रॉम के बाद वाली गिनती को हम पहले लिखते हैं सब ट्रैक हमने यही सीखा था तो माइनस थर्टी फोर अब क्योंकि सब ट्रैक कर रहे हैं तो एक माइनस साइन हम अपनी तरफ से लगाएंगे फिर उसके बाद ये वाला नंबर लिखेंगे जो आपका आंसर आया है माइनस वन फिफ्टी फोर ठीक है ना समझना बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से ठीक है ये चीज़ हो गई माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा तो माइनस थर्टी फोर माइनस माइनस प्लस क्योंकि साइन लगातार लिखा है इस तो वजह से हमको जो भी रूल के हिसाब से बनता है उसको लिखना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस वन फिफ्टी फोर ठीक है ना माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है लेकिन यहाँ पे साइन लगातार नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे बेटा जो भी रूल के हिसाब से बनेगा वो ऑपरेशन करेंगे साइन को लिखेंगे नहीं माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है तो 154 में से 34 को हम माइनस करेंगे ठीक है ना माइनस कर लीजिए फोर में से फोर माइनस करेंगे जीरो बचेगा फाइव में से थ्री माइनस करेंगे टू बचेगा वन है नीचे कुछ नहीं है तो वन ही रहेगा आंसर कितना आएगा बेटा आंसर आएगा आपका 120 क्लियर है साइन किसका लगेगा 34 और 154 में जो ज़्यादा पावरफुल होगा 154 ज़्यादा पावरफुल है देख के लग रहा है 154 प्लस में है तो इसके आगे भी प्लस लग जाएगा चाहे प्लस वन ट्वेंटी लिखो चाहे वन ट्वेंटी दो, आपके ऊपर है क्लियर है बेटा स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते